क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसिस्टर ऑफ होमोसेपियंस, यानी इनमें से कौन सा सीधा डायरेक्ट एंसिस्टर है होमोसेपियंस का। ऑप्शन ए है होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी है होमोसेपियंस, ऑप्शन सी है रामापिथिकस एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही उत्तर है वो है होमो इरेक्टस, यानी होमोसेपियंस का जो डायरेक्ट एंसिस्टर है, जो सबसे करीबी एंसिस्टर है वो है होमो इरेक्टस। क्योंकि जो होमो इरेक्टस है उसके सारे लगभग सारे कैरेक्टर ही मॉडर्न मैन से मिलते हैं। जैसे होमो इरेक्टस है वो सीधा चलता था, खड़े होके चलता था, इरेक्ट होके चलता था, जिस तरह आज के मैन चलते हैं। इसी तरह जो होमो इरेक्टस थे उनका जो फोर आर्म था वो जो है वो हिंद जो लेग्स थे उनसे छोटे थे, जो हिंड लेग्स थे यानी जो हिंड लिम्स थे उनसे छोटे थे। होमो इरेक्टस के जो फोर आर्म्स थे वो छोटे थे हिंड लिम्स से, इस वजह से जैसे कि आज के मेंस के होते हैं। तो जो होमो सेपियंस थे उनके उसका जो डायरेक्ट एंसिस्टर है, सबसे करीबी रिश्तेदार, सबसे करीबी एंसिस्टर है, वो होमो इरेक्टस को कहा जाता है। तो ये हमारे पास होमो इरेक्टस है, जैसे इसके जो फोर आर्म्स हैं वो इसके लेग से छोटे हैं, तो इस वजह से जो इसका मेनली जो है वो डायरेक्ट एंसिस्टर, सबसे करीबी एंसिस्टर कहते हैं हम होमो सेपियंस के। इसके अलावा जो इसकी जॉस हैं वो भी अलग होमो हैबिलिस के मुकाबले छोटे हैं, ज़्यादा होमो सेपियंस की तरह लगते हैं। उसी तरह जो इसका जो स्टेचर है वो भी इरेक्ट है, जैसे कि आज के होमो सेपियंस का होता है। तो हम इसको डायरेक्ट एंसिस्टर कहते हैं कि ये जो होमो इरेक्टस थे वो डायरेक्ट एंसिस्टर हैं होमो सेपियंस के।